हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा SBI क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर्स को इमरजेंसी की स्थिति में कैश की जरूरत पड़ने पर भारत के किसी भी ATM या विदेशों में स्थित किसी भी ATM से कैश विड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा का उपयोग SBI क्रेडिट कार्ड धारक अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी और कहीं भी कर सकता है। इस प्रकार के कैश विड्रॉ पर एक ट्रांजेक्शन फी और सर्विस टैक्स लगाया जाता है। इस ट्रांजेक्शन फी और सर्विस टैक्स को SBI क्रेडिट कार्ड धारक के अगले बिल डिटेल में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अब हम SBI क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम ये देखेंगे कि SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इमरजेंसी की स्थिति में डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल किसी भी ATM से कैश विड्रॉ करने पर क्रेडिट कार्ड धारक को कितना फी देना होता है। तो चलिए SBI क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डोमेस्टिक SBI ATM से कैश विड्रॉ करने पर कस्टमर को विड्रॉ किए गए कैश का 2.5% या 450 रुपये तक जो भी अधिक हो उतने का ट्रांजेक्शन फी देना होता है। और दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दूसरे डोमेस्टिक ATMs में कैश विड्रॉ करने पर कस्टमर्स को विड्रॉ किए गए कैश पर 2.5% या फिर 450 रुपये जो भी अधिक हो उतने का ट्रांजेक्शन फी देना होता है। दोस्तों, अगर आप अपने SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इंटरनेशनल ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको विड्रॉ किए गए कैश का 3% या फिर 450 रुपये जो भी अधिक हो उतना ट्रांजेक्शन फी के रूप में देना होता है। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ पर लगने वाले ट्रांजेक्शन फी को SBI क्रेडिट कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वो जब चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, SBI क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश विड्रॉल की तारीख से सेटलमेंट की तारीख तक सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है। वर्तमान में ये सर्विस टैक्स 3.35% मंथली है, जो कि 40.2% एनुअली होती है। दोस्तों, ये सर्विस टैक्स SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और ये जब चाहे इस सर्विस टैक्स में बदलाव कर सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना SBI क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक इसे जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।